नमस्कार दोस्तों, मेरी गार्डनिंग चैनल सेश ऑफ फाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है। इसमें परमानेंट विंटर सभी प्रकार के मैंने प्लांट लगाए हैं। अब धीरे धीरे विंटर फ्लावर में भी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, ग्रोथ शुरू हो गई है। ये सब मैंने सीड से ग्रो किए थे। ये भी अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। उसमें से कई सारे मैंने नीचे क्यारी में लगाए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे वाइन, मेरे पास जो वाइन कलेक्शन है वो मैं आपको बताऊँ। ये मधुमालती है। मधुमालती बहुत बड़ी बेल होती है, 25-30 फुट तक जाती है और कटिंग से आसानी से लगती है। इसमें 3 कलर के फ्लावर और गुच्छों में आते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। जितनी भी वाइन है वो ज़्यादातर समर में फ्लावरिंग करती है, वो विंटर में डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है। ये सब मैंने ये विंटर फ्लावर सेपलिंग लगाए हैं। ये अलामंडा की बेल है, उसमें भी 2-3 कलर आते हैं और कटिंग से भी आसानी से लग जाती है। दोस्तों, उसका भी अब डोरमेंसी पीरियड शुरू हो गया है। अब 2 महीने उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, उसके फरवरी के बाद उसमें फिर से नई नई ग्रोथ आएगी और फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। ये सब क्रिसेंथेमम के प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग आके ख़त्म हो गया है और मैंने फिर से उसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी है और उसमें खाद डाल दिया है। वो फिर से नया ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग आएंगे। ये ट्रम्पेट वाइन है, ये भी अभी डोरमेंसी पीरियड में चली जाएगी। उसको भी अच्छी तरह आप प्रोनिंग करके उसमें खाद डाल दीजिए। इसके इस तरह ऑरेंज कलर के बहुत गुच्छों में फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरी एक वाइन है क्लीमेटी वाइन भी आसानी से कटिंग से लग जाती है। ये सभी जो बेल बता रही हूँ वो सभी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। उसमें भी मैंने प्रोनिंग कर दी थी, अब नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। 1-2 महीने में फिर से उसमें कली आएगी और बहुत फ्लावरिंग होती है। उसका पत्ते भी नहीं दिखते, इतने गुच्छों में फूल आते हैं, उसके फ्लावर में भी भिनी भिनी खुशबू आती है। ये पेटल की का प्लांट है, उसमें भी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ हुई है। मेरे एक दूसरा भी प्लांट बना लिया। दूसरा एक वाइन है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के मेरे पास 2 कलर है, ब्लू और पिंक। ये बहुत बड़ी बेल नहीं होती, छोटी सी ही रहती है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी तरह रोज़ फ्लावर खिलते हैं, मॉर्निंग में फ्लावर खिलते हैं, इसके इसीलिए उसको मॉर्निंग फ्लावर कहा गया है। बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है और बीज भी उसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं, पूरी साल फूल देता रहता है। दूसरा एक प्लांट है, वो है अपराजिता। अपराजिता को शंख पुष्प भी कहा जाता है। ये बीज से आसानी से ग्रो होता है, उसमें भी 2-3 कलर और सिंगल डबल पेटल में मिल जाते हैं। उसकी इसके फूलों की चाय भी पी जाती है और आयुर्वेद में भी उसका मेडिसिन में यूज होता है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है और आसानी से ग्रो होने वाला फ्लावर है। आप आपके पास नहीं है तो आपके गार्डन में उसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। जैसे ये डहलिया का है, उसमें कलियाँ आई है और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है। ये क्राइसेंथेमम की पिंक कलर की है, ये भी अब अभी खिलना शुरू हो गई। मैंने कटिंग से भी बहुत सारे क्राइसेंथेमम के लगाए हैं, इसमें भी थोड़े दिन में कलियाँ आ जाएगी। और इसमें मैं बारी बारी लगाती रहती हूँ, इसके कारण अप्रैल तक मेरे क्राइसेंथेमम में फूल आते रहते हैं। ये डेंथस का है, ये भी
अब अच्छी तरह लग गया है, वो नर्सरी के लाके लग गया है, और उसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग भी लगाई है, वो भी अच्छी तरह लग गई है। इसी तरह मैं बहुत सारे प्लांट बना दूंगी। ये कुंदा का प्लांट है, इसके उसका मैंने वीडियो दिखाया था और प्रूनिंग कर दी थी और अच्छी तरह खाद भी डाल दिया था। बहुत अच्छी तरह ग्रोथ आने लगी है और कलियां भी बनना शुरू हो गई है। थोड़े ही दिन में ये फ्लावर से भर जाएगी। इस तरह उसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ये चमेली की वैरायटी का प्लांट है। दोस्तों ये जो मैं वाइन बताती हूँ ये सब मेरे गार्डन में लगी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वाइन आती है जैसे लहसुनिया बेल, ये सब आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये बोगनवेलिया, बोगनवेलिया में भी बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाती है। ये दूसरी नीलकंठा की बेल है, उसमें नीले कलर के फूल आते हैं और ये भी बहुत 25-30 फुट तक जा सकती है और कटिंग से आसानी से लग जाती है और पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। और उसकी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। ये कैट क्ले वाइन है, उसमें येलो कलर के फूल आते हैं और वो अभी डोरमेंसी में है, अब गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। उसमें भी बहुत गुच्छों की तरह फूल आते हैं और ये भी हार्डी प्लांट है, उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। इस तरह उसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। दूसरी एक वायलेट कृष्ण कमल, कृष्ण कमल में भी बहुत तरह की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर आते हैं, कलरिंग भी बहुत आपको चॉइस मिल जाएगी। ये भी आपके पास नहीं है तो आप लगा सकते हैं, ये बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है, उसमें भी अब गर्मी की सीजन शुरू होगी तो फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये भी हार्डी प्लांट होता है, जितनी भी ये सभी बेल है ज़्यादातर हार्डी प्लांट रहती है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती, अच्छी तरह फर्टिलाइज़र दे दो। ये डिकोमा भी आप चाहो तो उसमें बेल की तरह भी लगा सकते हैं और आप उसे भूसी भी बना के कटिंग करके बना सकते हैं। डिकोमा में भी तीन अलग अलग कलर की ऑरेंज, येलो और पिंक कलर के फ्लावरिंग वाली बेल आती है, आप चाहो तो उसे बेल की तरह भी लगा सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।